राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज बड़ी उथल पुथल मच गई है जब फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा में फेल होने से आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे तनाव और बढ़ गया। फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्र फेल हो गए जिससे उनका गुस्सा फैल गया। इस आक्रोश के कारण छात्रों में यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में खामियां हैं और परिणाम अनियमितताओं से भरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। उनका मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें फेल कर दिया गया जिससे उनके भविष्य का खतरा बना हुआ है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है।